दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए, पर निर्दोषों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना की जाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि निर्दोष किसी भी धर्म किसी भी समुदाय के हो, यदि उनको सताया गया तो समाजवादी पार्टी उनके लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। महिलाओं बच्चों के उत्पीड़न के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के लोगों ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि घरों में जाकर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, छोटे छोटे बच्चों को दहशत में लेना, यह भारतीय संविधान के विरुद्ध है। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य दोषी है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए, पर उसके परिवार वालों का उत्पीड़न उचित नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यदि किसी हिंदू या मुसलमान का उत्पीड़न किया जाता है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भगवत सरन गंगवार ने भी कहा कि दोषियों को बख्शा न जाए और निर्दोषों को सताया न जाए। पूर्व जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्र का विधायक भी क्षेत्र का आगे झुकने का कार्य कर रहे हैं। शिष्टमंडल में जिला अध्यक्ष शुभेश यादव, महानगर अध्यक्ष कबीर अहमद, पूर्व विधायक व मंत्री शहजल इस्लाम, पूर्व विधायक व मंत्री भगवत सरन गंगवार, पूर्व सांसद गोपाल सिंह, महिपाल सिंह यादव, जिला महासचिव प्रमोद बिष्ट, जिला अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष प्रमोद यादव, जिला प्रवक्ता सचिव दर अली अजम मौर्य, मयंक शुक्ला मोंटी, शमीम खा सुल्तानी, मोहित भारद्वाज, दिनेश यादव, शमीम अहमद आदि। ज्ञापन आज के इस संदर्भ में देने आए हैं कि कैंट थाने के कुछ गांव में बहुत दिनों से अराजकता और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, बड़े नेता लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे थे। अपनी ख्याति के लिए, चुनाव नज़दीक है इसलिए हिंदू मुस्लिम कराना चाहते थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई हुई उससे सारे लोगों में एक जो खौफ था वो भय समाप्त हुआ और अराजक लोग काफ़ी बंद भी हुए। लेकिन ये भी कहने आए कुछ निर्दोष लोग बंद हुए हैं, उन निर्दोषों के खिलाफ उनकी पहले जांच कर ली जाए, अगर वो गलत बंद हुए उन्हें छोड़ा जाए और आगे कोई निर्दोष व्यक्ति बंद ना हो। बाद में कभी कुछ बात रही हो लेकिन कभी वहाँ सांप्रदायिकता की फसल नहीं लहला पाई। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उस क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश की। पहले कांवर यात्रा के नाम पर बवाल किया गया और उसके बाद ताजियों के जुलूस में भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कोशिश की कि किसी तरह से वहाँ अराजकता फैल जाए। मगर हम बधाई देना चाहते हैं वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जिन्होंने बहुत समझदारी का परिचय दिया और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को नाकाम कर दिया। आज हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से ये मांग करने आए हैं कि जो दंगा फैलाने की कोशिश जिन्होंने की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ जो निर्दोष लोग हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई ना हो जिससे लोगों में भय का माहौल जो बन गया वो समाप्त हो जाए। जिन लोगों को मुकदमे लिखे गए उनको गिरफ्तारी की मांग करिए। देखिए, जो लोग साजिश करने के इसमें जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश की है, उन लोगों को निश्चित रूप से गिरफ्तार करना चाहिए। केवल मुकदमा लिखने तक सीमित ना रहे, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे आने वाले समय में कोई उस शांत क्षेत्र में